तो मैं पहुंच चुका हूँ अभी जंगल सफारी में। स्टैचू ऑफ यूनिटी से बस लेकर फ्री में बस में यहाँ पे छोड़ दे जंगल सफारी में। आगे जाके टिकट लेना पड़ेगा। टिकट देखते हैं कितने रुपए का। इसका मैंने लिया नहीं अभी। ऐसा कुछ इसकी एंट्री है। इसके टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और यहाँ पे ऑफलाइन भी मिल जाती है। अगर ऑफलाइन मिल जाती तो ऑफलाइन देखता हूँ, नहीं तो ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। अभी देखते हैं अंदर चल के क्या हुआ है। तो मैं एंट्री ले चुका हूँ जंगल सफारी स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता नगर में। 200 रुपये की टिकट पे करने के बाद अब देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे मैंने सुना बाघ भी है और कुछ और भी है। आगे ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। इधर एक भेड़िया सा है, पता नहीं क्या है, उसको देख के आते हैं क्या है उसमें। यह है सिल्वर फॉक्स, नाम सिल्वर फॉक्स है, काली लोमड़ी। धूप से ये था सिल्वर फॉक्स का एरिया। और यहाँ पे एक और दूसरी लोमड़ी है, सोरी है, वो पता नहीं क्या है छाव में। जो ग्लास लग रही है ये साउंड प्रूफ है, उसका साउंड नहीं जाती हमारी। आराम से सो रहा है वो, जो भी है जानवर का लोमड़ी है वो। अब आगे चल के देखते हैं। सारे यहाँ पे वो है लेपर्ड भी सब छाँव में सो रहे हैं। इस टाइम आने का मज़ा नहीं है। अगर आप आओ कभी भी तो शाम के टाइम आना, शाम के टाइम ही घूमते भी दिख जाएंगे। बाहर इतनी धूप हो रही है और वो लेट रहे छाँव में दोनों, लेपर्ड भी और एक काला पैंथर भी। तो यहाँ पे था लेपर्ड तेंदुआ, लेकिन वो अभी सोया पड़ा है छाँव में, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। अब आगे जाके देखता हूँ, आगे कुछ और मिलता है तो आगे देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ है बंगाल टाइगर, लेकिन दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। वो भी छाँव में कहीं लेट रहा होगा। इधर खड़ा है वो भी छाँव में। पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहा। बंगाल टाइगर भी नहीं दिखा। आगे हमारे लिए रिक्शा खड़ी है, रिक्शा पकड़े कहीं जाएंगे, देखते कहाँ ले जाएगी रिक्शा। बस स्टॉप है। धूप हो रही है, धूप में कहाँ घूमेंगे, छाँव में ना, इसके लिए सब कोने में बैठे, कोने में जाके बैठे। इस दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बोल, हेलो, एक पानी में पड़ा है नीचे। तो हम पहुंच चुके हैं इंडियन एवियरी। यहाँ पे चिड़िया मिल रही है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते ठीक है, थैंक यू। बहुत जल्दी बोल यार, फटाफट यार। हाँ, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बन जाओ। बन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 50 पैकेट लेकर 50। अरे भाई मारे, हेलो, तू किसी साथ बात कर लेते हैं, चल ठीक है। हाँ ठीक है, जवाब नहीं है। ये पैरोट है नीचे इधर। जी हाँ, ये तो
एक पैरट इधर है, एलेक्जेंड्राइन पैरकी। ये ऊपर से पूरा कवर कर रखा है, इसके बाहर नहीं जा सकता कोई। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है सिस्टम। तो ये पूरी एवियरी है, इसके अंदर पूरा ऊपर जाल लगा रखा है, इसके बाहर पक्षी नहीं जा सकते। नीचे पानी भी है बत्तख वत्तख के लिए। और सामने ऊपर देखो कितनी बड़ी बड़ी चोंच के सारस हैं। ये चोंच भी मार सकते हैं सर, में भरोसा कुछ नहीं है इनका। नीचे भी पानी में बहुत सारे सारस हैं, ऊपर तोते उड़ रहे हैं। देखो वाइट मोर, और ये बहुत सारी बत्तखें बैठी है, और नीचे है वाइट मोर। मैंने पहली बार देखा वाइट मोर। इधर भी बहुत सारे छोटे छोटे चिड़िया बत्तखें, और उधर बहुत बड़ी बड़ी चोंच के सारे से हिमाचल के। यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया जानवर है, पता नहीं चोंच इसकी इतनी बड़ी है क्या है। इनकी लड़ाई बज रही है। इसका नाम है रोजी पेलिकन, जो इतनी बड़ी बड़ी चोंच वाला है। और यहाँ बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, कोई सर पे आके बैठ रहा है, कोई ऊपर उड़ा जा रहा है, लेकिन इस जाल से बाहर नहीं जा सकते, इस जाल के अंदर ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये एवियरी है। पानी भी भरा हुआ है जगह जगह इनके पीने के लिए। इंडियन पीकॉक, एक ही बत्तख, पी फाउल। और यहाँ पर वाइट कलर का मोर था, वो भी मैंने आपको दिखाया। स्पोर्टेबल डक, यहाँ पर ये वाइट कलर की मशक कली भी है। अब चलते हैं यहाँ से बाहर, देखते हैं कुछ और मिलेगा क्या। एवियरी का पोर्शन ख़त्म, मेरे पीछे थी एवियरी। एवियरी से बाहर जाने का सिस्टम ये रहा। तो मैं एवियरी सेक्शन से बाहर आ चुका हूँ, और मेरे सामने है डियर सेक्शन। यहाँ पे हिरण देखेंगे, तो देखते हैं कोई हिरण स्पोर्ट कर पाते हैं हम ये नहीं, या सलमान खान ने सारे मार दिए, जाके ही पता चलेगा। आगे चलते हैं डियर सेक्शन में। थामिन डियर यहाँ पर बहुत सारे हैं, छाँव में बैठे सारे। दो तीन तो सींग वाले भी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डियर है, गर्मी से बचने के लिए छांव में पेड़ के नीचे छुपे बैठे सारे। ये रहे मेरे पीछे डियर। अब आगे बस स्टॉप पे चलते हैं, देखते हैं वापस जाके कहाँ की बस मिलेगी हमें। डियर जोन ये हमें पैदल चल के पार करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ई रिक्शा मिलेगी। तो यहाँ पर पानी की दुकान थी, मैंने पानी ठंडा लिया है। धूप बहुत तेज़ है, यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है 34 डिग्री। अभी फरवरी चल रही है, यहाँ 34 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी होगी। आगे देखते हैं कहाँ तक पैदल चलना पड़ेगा, फिर हमें ई रिक्शा मिले। यहाँ पे सांबर डियर भी है, और बार्किंग डियर भी है, हिमालयन गोरा सब है। गोरे सारे लाइन में, एक गोरा गोरा। अभी तो सारे छाँव में बैठे धूप से बच के, शाम के टाइम आने का फायदा है, दिन में तो कोई दिखेगा भी नहीं। उधर वाइट डियर भी है, इधर वाइट कलर के, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं। हर घड़ी हर पहर। कोई समझता हो गधे को, कोई इग्नोर कर देता है। गधे भी दो है, पूरा बड़ा एरिया दो गधे का, पूरा अपने एरिया कब्जा करके घूमे गधे भी। तो गधे की भी वैल्यू है। चीतल और पीछे पेड़ के पीछे बहुत सारे चीतल, 40-50।
रेस्ट करने के लिए, और आगे लगी हुई है लाइन ई रिक्शा पकड़ने के लिए वापसी की। तब देखते कितनी देर में नंबर आता, लाइन में लगते हैं वहाँ जाके, वो लाइन पूरी लंबी। तो हम बैठे वापस की ई रिक्शा चलते आगे। पिक हुए थे बस स्टॉप नंबर, बर्ड वाले जोन से घूम के ई रिक्शा पकड़ के वापस फिर मैं आ गया वहीं पे जहाँ पे टाइगर था, लेकिन टाइगर भी अभी सो रहा है। इधर ये फाउंटेन लगा हुआ है बहुत अच्छा। अब यहाँ सामने देखते हैं क्या मिलेगा हमें इस एरिया में, अभी लिखा नहीं है कुछ क्या है, देखते हैं ढूंढते हैं। शेर है यहाँ तो, शेर भी अभी सो ही रहा है छाँव में, तो धूप में आने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। धूप में आओगे तो सब छाँव में लेटे मिलेंगे, कुछ भी मिलेगा नहीं आपको। बताओ ये खुली जगह है, यहाँ से शेर अगर जंप कर गया तो हमारे ऊपर कूद जाएगा, देखो वो रहा शेर। और ये खुली जगह है, यहाँ बीच में जाली भी नहीं लगी हुई है, पता नहीं शायद इतनी दूर जंप ना कर रहा हो। ये टिक कुछ है, पता नहीं क्या है। ये भी छाँव में सो रहा है, ये जिनावर भी, सेवरल कैट भी छाँव में सो रहे हैं। सब दोपहर के बज रहे हैं, पता नहीं कितने, 2-3 बज रहे होंगे। अभी सवाल कस में पड़े हैं, अब हम आगे वापस घूम के इधर रेस्ट एरिया में थोड़ी देर रेस्ट लेंगे और फिर चलेंगे किसी दूसरी तरफ। उधर शायद जिराफ होंगे, वहाँ ऊपर जाके देखते हैं क्या मिलेगा हमें। ये अफ्रीका जोन, ये ऑस्ट्रेलिया जोन। अफ्रीका जोन में हमें मिलेगा कंगारू और ईमू, इगुआना, इगुआना भी है यहाँ पर। ये देखो इगुआना कितने सारे हैं, एक इगुआना हो रहा है। ये जापानीज वैकम डॉग, ये भी सो ही रहा है, उधर पड़ा है वो, कहाँ गया वो वहाँ पे। और यहाँ से आगे देखते कंगारू मिलेगा शायद, यहाँ पे आ गया जिराफ, इधर ही आ रहे तो जिराफ वो जेब्रस के पीछे, और इधर ये पता नहीं कंगारू है शायद, इधर कंगारू है। अब सामने देखते हैं, सामने ईमू मिलेंगे, ईमू जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड होती है जो उड़ नहीं सकती लेकिन भागती बहुत तेज है, ईमू बोलते हैं उसको। वो सामने है ईमू हमारे, ये रहा ऑस्ट्रिच हिंदी में उसको बोलते हैं। ईमू छाँव में है, दोनों छाँव में, एक धूप में, धूप में, ये भी छाँव में है, दो इधर दो उधर, चार ऑस्ट्रिच है यहाँ पे। ये रहा ऑस्ट्रिच, इसे कोई रेस्पॉन्स नहीं देना। तो हम अभी आगे चलते हैं आगे, अभी हम ऑस्ट्रेलिया जोन में थे, अब अफ्रीका जोन में जाएंगे। पहले तो ऑस्ट्रेलिया जोन को ही पूरा कर लें। इधर भी ये रहे कुछ कंगारूज, कंगारूज है पता नहीं क्या है ये, ईमू, ये तो ऑस्ट्रिच है, वो कंगारू है। आगे मैं इनका आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, इनकी जो प्रजाति लिखी हुई है कौन कौन सी प्रजाति के हैं ये। ये तो है लामा, लामा, अल्पाका, वलाबी और ईमू, ईमू बोला था ना मैंने, ईमू। आगे स्क्विरल मंकी, पता नहीं कहाँ है ये, दिख नहीं रहा, खेल कूद कर रहा हो कहीं, खो गया मंकी तो, मंकी नहीं है इसके अंदर, डब्बे के अंदर बैठ कर सो रहा है वो, तो इसलिए इसको छोड़ते आगे देखते हैं कुछ और मिलेगा आगे। यहाँ बस स्टॉप है, अगर आपको ई रिक्शा में बैठ के दूर तक जाना है तो बस स्टॉप पे वेट कर सकते हैं। ये जंगल सफारी का बोर्ड, इधर है वर्ल्ड ऑफ विंग्स, तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी होंगे,
उनको देखते जाके कितने पक्षी मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे सब दिखाता हूँ इधर से जाके। यह गोल्डन हैंडेड टैमरिन मंकी है, कहाँ बोरी में लेट के सो रहा है ऊपर, वो जो उसकी बोरी है उसमें लेट के सो रहा है, दिखेगा नहीं, सब सो रहे हैं इस टाइम। ये है साइंटिफिक नेम इसका, ये बेटा छोटू अंगूर खा रहा है, ये तो बच्चे हैं बहुत सारे इसके, ये रे आजा। मोबाइल से बनाता हूँ उसकी वीडियो। पैरों को बांधे बेड़िया हेलो। एवियरी है और इसमें बारिश हो रही है, मतलब वो चला रखी है ड्रिप वाली बारिश, अगर किसी को जाना है तो भीग जाओगे, घूम के आ सकते हो, देखते हैं जहाँ, अगर भीग नहीं भीगेंगे तो अंदर जाऊंगा, नहीं तो वापस आ जाऊंगा, देखते हैं कहाँ तक जा पाते। क्या बारिश हो रही है अंदर, जा सकते भीग जाएंगे। तो अंदर यहाँ पे लाल तोते, पीले तोते और पपीते के पेड़ बहुत कुछ है, और बारिश हो रही है पर यहाँ पे मतलब वैसी आर्टिफिशियल वाली बारिश। देखते हैं एक राउंड मार के आ जाते हैं, थोड़े से भीगेंगे तो भीग जाएंगे। GoPro भी वाटर प्रूफ है, मैं भी वाटर प्रूफ हूँ, बारिश के अंदर आ गए ठंडी। वाह, बाहर बहुत तेज धूप हो रही है लेकिन यहाँ गर्मी हो गई बारिश की वजह से, तो जल्दी जल्दी भाग के इसके ग्राउंड पूरा करके निकलते हैं यहाँ से, भीग गए सारे, गलत आ गया। तो तोते बहुत सारे पक्षी है, यहाँ पे है ब्लैक स्वान, बहुत सारे पक्षी हैं यहाँ, ब्लैक स्वान भी है, बत्तखें भी हैं, इसके बीच में तालाब बना हुआ है, ये रही नीचे वाइट मसक्कली, आगे एक तोता बैठा हुआ है, बहुत सारे पक्षी हैं। और यहाँ बारिश करके इन्होंने ठंडा माहौल बना दिया, नहीं तो गर्मी में मर जाएंगे पक्षी। भीग तो मैं गया लेकिन बाहर इतनी तेज धूप हो रही है कि मैं बाहर निकलते ही सूख जाएंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर पूरा जंगल है, पक्षी है। और ये मेरे पीछे मुझे दिख रहा है सरदार सरोवर डैम, इधर बिल्कुल सामने ये, और ये इधर कैक्टस गार्डन है, वहाँ जाने का रास्ता पता नहीं कहाँ से है, अगर मिला तो मैं चला जाऊँगा, नहीं तो फिर फिलहाल इधर से बाहर चलते, बाहर देखते हैं क्या है और देख बच्चा क्या है देखने के लिए। बीच में यहाँ बत्तख है, देखो ये काली बत्तख, बीच में तालाब भी बना हुआ है, पूरा ऐसा सीन है यहाँ पे। ये बहुत सारे काले बत्तख हैं,
तो मैं घूम के वापस आ चुका हूँ एग्जॉटिक एवियरी से। पर ये मेरे सामने दिख रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्कुल, पर नीचे बाकी का जंगल सफारी अब ये मुझे लगता है ख़त्म हो गया। नीचे है यूनिटी ग्लो गार्डन लेकिन वो रात में चलेगा, उसमें रात में जाएंगे। अब यहाँ से बाहर की तरफ चल के देखते हैं, कुछ और मिलेगा तो ठीक, नहीं तो बता दूंगा मैं आपको भी, चलते बाहर की तरफ। ये मैं बाहर आ गया टिकट्स एरिया में, मैं आपको टिकट के रेट बता देता हूँ उसके कितने हैं। तो ये लिखे हुए हैं तो अगर आप DSLR कैमरा लेकर आते हो तो 3500 रुपये का टिकट कटेगा आपका इसके अंदर जाने के लिए, बाकी सस्ते ही हैं। और ये कुछ है वन विभाग गुजरात राज्य, टच कैन। ये क्या तोता पक्षी क्या है, पपीता खा रहा है ये, तोता पपीता खा रहा है, अनार खा रहा है। आगे एक दो और हैं वो भी दिखाता हूँ आपको, नाम तो उसका पता नहीं क्या लिखा है कहाँ। ये रहा, ये तो मसक्कली है छोटी। हेलो मसक्कली, ए मसक्कली, चार पांच मसक्कली है यहाँ पे अभी, चार मसक्कली। उसके बाद ये शायद बंद है, इसमें हरा पर्दा लगा रखा है। अभी इसमें किसी को रखा नहीं है, ढूंढ रहे होंगे, किसी को पकड़ के लाएंगे तो रखेंगे। और ये लास्ट बचा वॉयलेट टोबैको, वेयर इज़ वॉयलेट टोबैको, टोबैको सर, वो बैठा पीछे टोबैको सर, दिखेगा पता नहीं, नहीं है कैमरा ऐसे ही है ये, वो वॉयलेट टोबैको भी नहीं दिखे, दिख गया होगा देखो वो बैठा वहाँ पीछे। ये कुछ इसका एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री लेते हैं आप, वहाँ सामने टिकट कटवाते हैं और फिर उधर से एंट्री होके पूरा जंगल सफारी घूम के आ सकते हैं। जंगल सफारी मैंने पूरा घूम लिया है, अब मैं यहाँ से आ चुका हूँ बाहर। ये मेरे ऊपर है जंगल सफारी का गेट जो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो उसके सामने पैट जोन है उसके अंदर बहुत सारे पक्षी है, जो पैट है मतलब उसमें सुअर भी है कुत्ते भी है सब कुछ है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके अगले पार्ट में चलते हैं हम पैट जोन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।